हे गाइस, मैं सुमित का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका होटल मैनेजमेंट हेल्प यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फर्स्ट डे एक होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में जाने के बाद जब आप पहली क्लास में जाते हो तो आपको वहाँ पे क्या बताया जाता है, आपकी इंट्रोडक्शन किस तरह से होती है एक IHM में जाने के बाद। क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे आप सभी के मैसेज आ रहे थे, काउंसलिंग प्रोसेस हो गया है अभी, तो इसके बाद अब टाइम है आपके कॉलेज में जाने का। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर है क्योंकि कुछ IHMs ऐसे हैं जिनके यहाँ अभी कोई 12 अक्टूबर से निकाल रहे हैं डेट की वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, तो कोई 2 नवंबर के बाद बता रहे हैं कि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट का क्लियरेंस कहीं भी नहीं है, भले ही NCHM सिटी की तरफ से बताया गया है 2 नवंबर के बाद जो है वो आपकी एडमिशन प्रोसेस जो है वो वहाँ पे कंप्लीट की जाएगी फिजिकल रिपोर्टिंग होने के बाद, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी क्लियर कहीं भी नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अब का जो भी प्रोसेस होगा, क्योंकि अब काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद जो भी होता है वो सभी IHM के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी फी किस तरह से लेती है और क्या आगे का प्रोसेस होता है। क्योंकि बहुत सारे अभी IHMs ऐसे हैं, कुछ IHMs ऐसे हैं जहाँ पे फी लेने के लिए उनका जो फी डिटेल है वो निकाल दिया गया है कि रेस्ट अमाउंट जो है आपने वो कहाँ पे करना है, कैसे पे करना है। तो इन सभी चीज़ को, इन सभी टॉपिक को मैं कवर करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मैं इस वीडियो में बता दूँ कि फर्स्ट डे के क्लास में जब आप किसी होटल मैनेजमेंट कॉलेज में जाते हो या किसी आप IHM के अंदर जाते हो तो आपके पहले दिन क्या क्या होती है और क्या करवाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहले दिन जब आप क्लास जाते हो तो वहाँ पे आपकी इंट्रो कराई जाती है, एक इंडक्शन क्लास आपका होता है। अब बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा यहाँ पे इंडक्शन क्लास किसे बोलते हैं। तो इंडक्शन क्लास का मतलब होता है कि जब आप किसी भी कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे आपकी इंट्रो करवाई जाती है आपकी फैकल्टी से, जो भी आपके फैकल्टीज होते हैं, आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, सभी के साथ आपका इंट्रो होता है। साथ ही आपका जो भी कैंपस है पूरा कैंपस का टूर करवाया जाता है आप सभी को बताया जाता है कि ये फ्रंट ऑफिस का लैब है, सभी लैब्स आपको घुमाए जाते हैं, वहाँ पे दिखाया जाता है कि आपका कैंटीन कहाँ पे है, कैफेटेरिया कहाँ है आपका, साथ ही साथ आपका बेकरी का लैब कौन सा है, फूड प्रोडक्शन लैब कौन सा है। इसके साथ ही आपको वहाँ पे जो भी आपका सिलेबस है वो पूरे अच्छी तरीके से बताया जाता है कि आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में क्या क्या होगा, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और साथ ही पूरे 3 साल के अंदर में आप क्या कुछ सीखते हो वहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं इग्नू के बारे में। तो इग्नू के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि आप अभी जब अपना फी स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे इग्नू का भी जिक्र होता है, इग्नू फी भी आपसे लिया गया है। तो इस इग्नू फी में क्या होता है, आपको एक इग्नू का एग्ज़ाम देना होता है जो कि साल में एक बार होता है। इस इग्नू के एग्ज़ाम के बारे में भी आपको आपके कॉलेज में बताया जाएगा अगर आप IHM से हो तो। अब साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी फैकल्टी है उनसे आपकी पर्सनली एक छोटा सा इंट्रो लिया जाता है, आपको स्टैंड अप किया जाता है आपके बेंच पे, कहने का मतलब आप अपनी सीट पे आपको बुलाया जाता है, वहाँ से आपकी इंट्रो होती है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ समथिंग, तो ये सारा प्रोसेस वहाँ पे होता है। अब यहाँ पे क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस का भी जिक्र हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकते हैं ड्यू टू COVID-19, सो ये क्लियर नहीं है कि आप फिजिकली ही अपना क्लास कर पाओगे। जैसा कि मेरे पास 1-2 कॉलेज का नोटिस आया है जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताए गए हैं, इन सभी टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर करने वाला हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ कि अभी अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, तो हो सकता है कि वर्चुअल टूर आपका करवाया जाए, एक वर्चुअल टूर हो जाएगा आपके कॉलेज का, सभी फैकल्टी से वहाँ पर आपकी इंट्रो करवाई जा सकती है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैंने 1-2 कॉलेज में बात किया तो वहाँ से उनका यही बोलना था कि जो इंडक्शन क्लास हम लोगों का फिजिकली हुआ करता था, अगर सिचुएशन ठीक नहीं होता है, अगर गवर्नमेंट की क्लियरेंस नहीं आती है, तो हम लोग कुछ इस तरह से ही वर्चुअल टूर एक करवाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, और साथ ही सभी लैब के बारे में बताएंगे, क्या उनको पढ़ना है, क्या सीखना है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, मीन्स क्या पार्टियां होती है वहाँ पे, एनुअल डे होता है, फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी, ये सब कुछ आपको पूरी डिटेल तरीके से वहाँ पे बताया जाता है। आपको यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट क्लास में जब भी कोई स्टूडेंट जाता है तो वो थोड़ा सा नर्वस होता है कि वहाँ पे सभी के बीच में मुझे उठा दिया जाएगा, मुझे खड़ा कर दिया जाएगा, तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे नर्वस हो जाते हैं कि मैं कैसे बोलूँगा वहाँ पे। कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होता है, कुछ रॉकेट साइंस आपसे नहीं पूछा जाता, बस टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपने कहाँ से अपनी 12th करी है, बाकी सारी डिटेल, ये सिंपल है। अगर आपको जानना है तो इसके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो कर दूंगा, तो उसमें आप सब चीज़ समझ सकते हो कि क्या कैसे होता है और टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको क्या क्या पूछा जाता है, आप क्या बोल सकते हो।
तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आगे सीरियल वाइज सभी पे कैप्चर करता रहूँगा। और अगर आप चाहते हो, आपको कुछ जानना है, कुछ समझना है, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो, आगे किस तरह की वीडियो आपको चाहिए, आप क्या जानना चाहते हो होटल मैनेजमेंट हेल्पर के थ्रू, तो वो सब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, जिससे मैं आगे वीडियो के थ्रू आपको बताता रहूँगा। और साथ ही अगर आप यूनिफॉर्म के बारे में जानना चाहते हो कि एक IHM में किस तरह का यूनिफॉर्म होता है, कितने यूनिफॉर्म्स होते हैं, तो यूनिफॉर्म के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसमें होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स आपको बता रहे हैं कि किस किस तरह के यूनिफॉर्म होते हैं लाइव डेमो दे करके, सामने में यूनिफॉर्म पहन करके। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही ऊपर आई बटन में मैं देता हूं, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।